The next is art and architecture. During Delhi Sultanate, new style of architecture developed with the help of Indian craftsmen. Indian craftsmen जो थे, Indian जो artists थे, they started a new type of architecture. ठीक है, they built buildings according to the Muslim rulers. जैसा मुस्लिम रूलर्स को पसंद था उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर इंडिया में बिल्डिंग्स फॉर्म की जाने लगी, बिल्ड की जाने लगी. दिस इज़ नोन एज इंडो इस्लामिक लिटरेचर बिकॉज आर्टिस्ट वर इंडियन एंड द रूलर्स वर फ्रॉम द इस्लामिक रिलीजन, इस्लाम. तो जो दोनों ने मिलकर बिल्डिंग्स बनाई उसे हम क्या कॉल करते हैं, वी कॉल इट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, यानी कि उसमें इंडियन स्टाइल भी है और इस्लामिक स्टाइल भी है. ओके, इट इज़ इम्पैक्ट, इट्स इम्पैक्ट इज़ क्लियरली विजिबल इन द मोन्यूमेंट्स ऑफ दैट पीरियड. वो एक जैसे हैं. अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी, उनकी जो डोर्स होती है ना बेटा, वेदर इट इज़ अ मॉस्क और एनी थिंग, वो ऐसे राउंड शेप की, आर्क शेप की होती है. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ये आर्क, दिस वन है ये आर्क. तो ये आर्क जो है वो मुस्लिम जो बिल्डिंग्स बनाई गई उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनके आर्किटेक्चर का. ठीक है, एक स्टाइल था उनका, वो उसमें आर्क ज़रूर होती थी उनके गेट में. क्लियर, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ मुस्लिम और इस्लामिक आर्किटेक्चर. द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर आर कुतुबी मस्जिद एंड द कुतुब मीनार इन दिल्ली. दीज वर कंस्ट्रक्टेड बाई कुतुबद्दीन ऐबक, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत. कुतुब मीनार और कुतुबी जो मॉस्क है, मस्जिद है, वो कुतुबद्दीन ऐबक ने बनवाई. इट वॉज स्टार्टेड बाई कुतुबद्दीन ऐबक बट कम्प्लीटेड बाई इल्तुतमिश. जो कुतुब मीनार था उसे स्टार्ट किसने करवाया था, कुतुबद्दीन ऐबक ने. ठीक है, और उसी के नाम से ये कुतुब मीनार कहा गया. बट उसकी डेथ हो गई एंड दिस मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाई इल्तुतमिश. इस मीनार को इल्तुतमिश ने कम्प्लीट करवाया. अलाउद्दीन खलजी एक्सटेंडेड द क्वातुल इस्लाम मॉस्क एंड बिल्ट अलाई दरवाज़ा नियर इट. दिस इज़ अ वेरी डेकोरेटिव एंड इम्प्रेसिव गेटवे विद एन आर्क. जो हमने अभी कुतुबी मॉस्क के बारे में पढ़ा था, क़ुतुबुल इस्लाम मॉस्क या कुतुबी मस्जिद, उसके आगे अलाउद्दीन खलजी ने एक अलाई दरवाज़ा बिल्ट करवाया था. ठीक है, दैट इज़ द अलाई दरवाज़ा. ये अलाई दरवाज़ा है, ये अलाउद्दीन खलजी ने बिल्ट करवाया था मॉस्क के आगे. ओके, एंड इसमें भी आर्क है, आपको दिख रही है. क्लियर, खलजी वॉन्टेड टू बिल्ड अ मीनार इन फ्रंट ऑफ कुतुब मीनार विच वॉज टू द डबल ऑफ इट्स हाइट बट ही कुड नॉट फुलफिल हिज ड्रीम एंड एज ही डाइड एट अ यंग एज. दिस इनकम्प्लीट मीनार कैन बी सीन इवन टूडे. अलाउद्दीन खलजी कुतुब मीनार के सामने फ्रंट पर एक ऐसी मीनार बनाना चाहता था जो इससे डबल हो, बट उसका ये ड्रीम फुलफिल नहीं हो सका क्योंकि उसकी डेथ अर्ली एज में ही हो गई थी और वो मीनार किसी ने कंप्लीट भी नहीं करवाई और वो आप आज भी वहाँ पर देख सकते हो. ओके, तुगलक फाउंडेड मैनी सिटीज़. वी हैव लर्नड कि उसने तुगलकाबाद बनवाया, फिरोज़ाबाद, हिसार, ये सब एरियाज़ उसने डेवलप किए. तो तुगलक फाउंडेड मैनी सिटीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल फिरोजशाह कोटला, फिरोज़ाबाद, तुगलकाबाद. ठीक है, द फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ तुगलक्स इन द ग्यासुद्दीन तुगलक टॉम्ब. जो फेमस मॉन्यूमेंट है तुगलक्स का वो ग्यासुद्दीन तुगलक टॉम्ब है. इट इज़ ऑक्टागन इन शेप, ये एट साइड्स हैं इसकी, एंड इट इज़ इन फ्रंट ऑफ तुगलकाबाद फोर्ट इन साउथ दिल्ली ऑन मेहरौली ओखला. साउथ दिल्ली में ये फोर्ट आपको दिख सकता है,
जिसको हम तुगलकाबाद फोर्ट कहते हैं। ओके, मैरोली में है ये, तो इट इज़ वेरी मच फेमस। क्लियर? तो ग्यासुद्दीन तोंप वहाँ बनाया गया तुगलकाबाद फोर्ट में, और वो क्या है, ऑक्टागन है, उसकी 8 साइड्स हैं। क्लियर? सो दिस इज़ अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ एट द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्लियर? एंड होप आपको समझ आया होगा। लोधी गार्डन और लोधी रोड वर मेड बाय लोधी द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो लोधी गार्डन है और लोधी रोड है, वो दिल्ली के लास्ट जो डायनेस्टी थी उन्होंने बिल्ड करवाया था। ओके, सो दैट्स इट इन दिस चैप्टर। रीड द कीवर्ड्स, आप सब ये कीवर्ड्स रीड करेंगे। ओके, राइट डाउन इन योर नोटबुक्स एंड रिवाइज द चैप्टर फॉर टेस्ट। आपका टेस्ट होगा चैप्टर का, आप लोग ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज करेंगे। टुडे इज मंडे एंड योर टेस्ट इज ऑन वेडनेसडे। ठीक है, तो वेडनेसडे को आपका इसका टेस्ट होगा, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।